भूलैया 3 ने सिंघम अगेन को पिछाड़ दिया। दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली दो भारतीय फिल्मों के दरमियान कड़ा मुकाबला जारी था। सिंघम अगेन में 80% बॉलीवुड स्टार थे, जबकि भूल भुलैया 3 में 20%। जानू क्या कह रहे थे आप, मेरे संगमरमर की मूर्ति बनानी। सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश में मसरूफ थे। कार्तिक आर्यन की फिल्म अजय देवगन की फिल्म से आगे निकल गई। बॉक्स ऑफिस के 17 दिनों के आदादोशुमार के मुताबिक भूल भुलैया 3 ने भारत में 233 करोड़ कमाए, जो कि सिंघम अगेन के 232 से थोड़े ज्यादा हैं। दिलचस्प बात यह कि इन दोनों फिल्मों का ये तीसरा सीक्वल है और उम्मीद की जा रही है कि ये इन दोनों फिल्मों की कामयाबी से बॉलीवुड में सीक्वल्स का रुझान मजीद जोर पकड़ेगा। सिंघम अगेन में मरकजी किरदार तो अजय देवगन का ही है, लेकिन गेस्ट अपीयरेंस में बॉलीवुड के कई नामवर स्टार्स शामिल हैं। सिंघम सीरीज की पहली फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी, जिसने भरपूर कामयाबी हासिल की थी। बाजीराव सिंघम का किरदार अब तक दाद वसूल कर रहा है। उसके बाद 2014 में सिंघम रिटर्न्स आई, जो पहली फिल्म की तरह सुपरहिट साबित रही। भूल भुलैया 3 में माधुरी दीक्षित और कार्तिक आर्यन मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि अक्षय कुमार इस बार भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। हालांकि 2007 की भूल भुलैया 1 की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार अक्षय कुमार का ही था। भूल भुलैया 3 की मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी तारीफ की। आमिर खान ने भूल भुलैया 3 के हिदायतकार अनीस बज्मी से कहा कि सिंघम अगेन के मेकर से बड़ी गलती हुई, जो उन्होंने आपकी फिल्म के साथ टकराव किया।